हेलो एवरीवन, क्लास 11th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.17 के सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1.17 क्या है उसे ध्यान से देखोगे। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3 सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वाज 15 ppm, यानी कि 15 ppm तुम्हें देखने को मिलता है कॉन्टेमिनेशन। तो इसका मतलब सिंपल फॉर्म में 15 ppm का मतलब क्या है, इसको ओपन करके तुम लिख सकते हो, और ओपन कर तुम क्या लिख सकते हो, दैट इज है ना, इसके इसका मतलब हो गया कि 15 parts in million, या फिर 10^6 parts, इसका मतलब होता है ना, यानी कि 15 parts जो है 10^6 parts का वो contaminated है। ये 15 ppm का मतलब हुआ biomass, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 15 gram है ना, 15 gram CHCl3 है ना, CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10^6 है ना, 10^6 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि अगर 10^6 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 15 ग्राम जो है वो क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, जो कि उसको कॉन्टेमिनेट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, यानी कि परसेंट बाय मास के टर्म्स में इसको क्या करना है, दैट इज एक्सप्रेस करना है कि क्या होगा। ठीक है, ठीक है, कर देते हैं सर। तो परसेंटेज बाय मास है ना, परसेंटेज बाय मास, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान से तुम देखोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 15 ग्राम है ना, जो गिवन है, जैसे क्लोरोफॉर्म हमें गिवन है तो वो सॉल्यूट ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 10^6 है ना, 6 ग्राम सॉल्यूशन इंटू 100 है ना, इंटू का क्या होता है 100, तो इससे तुम्हारे पास निकल जाएगा क्या, परसेंटेज बाई मास। तो चलो निकाल दो, कितना निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा 15 क्या दिक्कत है भाई तुमको, है ना, ये हो जाएगा 15 इंटू 10^2, 100 को ऐसे लिख सकते हो, और 10^6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10^-6, तो उस बेसिस पे आ जाएगा 15 × 10^-4। पॉइंट को तुम इधर शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 × 10^-3 है ना, इतना क्या परसेंट, इतना क्या परसेंट, और ये तुम्हारा निकल गया दैट इज परसेंटेज माय मास का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, डिटरमाइन द मोलालिटी है ना, मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल है ना, यानी कि मोलालिटी तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है ना, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो उसमें कितना प्रेजेंट होता, तो मास बाय जो परसेंटेज बाय मास है उसके बेसिस पे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ इसको सेकेंड पार्ट का आंसर लिखते हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट का था, सेकेंड पार्ट के आंसर में तुम क्या लिखोगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन CHCl3 इज इक्वल्स टू कितना, 1.5 × 10^-3 ग्राम है ना, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो वो CHCl3 कितना कंटेन करेगा, दैट इज 1.5 × 10^-3 ग्राम। तो अगर तुम्हारे पास 1000 ग्राम सॉल्यूशन हुआ है ना, तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन CHCl3 ये कितना कंटेन करेगा, तो सबसे पहले 1 ग्राम कितना करेगा, तो 10^-3 डिवाइडेड बाई 100, ये 1 ग्राम करेगा, और 1000 ग्राम का निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो उस बेसिस पे कितना वैल्यू निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 1.5 × 10^-2 ग्राम। ठीक है, इतना क्या आ गया, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है वो तुम्हारे पास निकल कर आ गया कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन में है ना, 1000 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा। ठीक है,
ठीक है सर, ठीक है सर, ये तो हमें यहां पर निकल गया, ठीक है, कि अगर हमारे पास 1000 ग्राम सैंपल है या 1000 ग्राम सॉल्यूशन है तो वैसे केसेस में वैल्यूज जो है वो कितना निकल कर आएगा। तो अब यहां से तुम्हारे पास वैल्यूज जो है वो निकल गया है, यानी कि मास निकल गया है। अब मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए तुम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी उसको तुम निकाल दोगे। नाउ अब मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि देख रहे हो कि सॉल्यूट जो है एकदम नहीं के बराबर प्रेजेंट है। 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3% मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वही मास ऑफ सॉल्वेंट भी होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो एकदम नहीं के बराबर है ना, नहीं के बराबर है। तो नाउ नाउ तुम्हारे पास क्या होगा, मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी 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 का क्या होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट और वो भी किसमें, इन केजी, इन केजी। अब इन केजी, 1 केजी में तुम्हारे पास है ना जो मास ऑफ सॉल्यूट आया है वो इतना निकल कर आया है, यानी कि नीचे का वैल्यू तो तुम्हारा 1 हो जाएगा है ना, नीचे का वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवेन मास बाई मोलर मास है ना, गिवेन मास बाई क्या, मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट तो तुम्हारा 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी है ही, तो बस इसी पे तुम्हारा वैल्यू निकालना है। गिवन मास कितना है बताओ, गिवन मास है तुम्हारे पास दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 और मोलर मास कितना आएगा, CHCl3 का, किसका, CHCl3 का, कार्बन का कितना होता है दैट इज 12, एक हाइड्रोजन का 1 और 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरीन का 106.5, ठीक है, इतना वैल्यूज तुम्हारे पास निकल कर आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, इतना तो वैल्यू निकल कर आया, तो कितना हो गया, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 119.5। अब ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो चलो पहले डिवाइड दे देते हैं हम लोग, 1.5 डिवाइडेड बाई 119.5 जो कि आ रहा है दैट इज कितना, 0.0125 इंटू 10 टू द पावर -2। पॉइंट को 2 डिजिट राइट में तुम शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4, इतना क्या, मोलैलिटी, और मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, दैट इज मोल पर केजी, मोल पर केजी है ना, ये तुम्हारा यूनिट होता है। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से तुम वैल्यूज जो है उसको सिंपल फॉर्म में वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यूज को तुम निकाल सकते हो। आई होप कि तुम्हें यह कॉन्सेप्ट भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।